बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि बिहार बोर्ड स्नातक नामांकन इस सप्ताह से जारी हो जाएगा, तो इसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। धीरे धीरे एक एक यूनिवर्सिटी अपना स्नातक नामांकन का पूरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, आप पेपर के माध्यम से देख सकते हैं। तो ऐसे ही बिहार बोर्ड से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं पेपर के आर्टिकल में, आपको एक सप्ताह पहले मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें मैंने बताया था कि इस बार आपका स्नातक में नामांकन OFSS के माध्यम से नहीं होगा, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत आपका विश्वविद्यालय, जो जो आप अलग अलग विश्वविद्यालय में बिहार में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के तहत UMIS यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत ही आपका नामांकन होगा और इसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय ने स्नातक नामांकन का प्रथम वर्ष में नामांकन के लिए फॉर्म भरने की ऑनलाइन प्रक्रिया यहां पे आप देख सकते हैं पेपर के आर्टिकल में जारी कर दिया है। कुलपति डॉक्टर गुलाब चंद राम जायसवाल ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अपने सभी अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों में स्नातक 2019-22 सत्र में ऑनर्स में विज्ञान कला एवं वाणिज्य संकाय में नामांकन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। यहां पे आप देख सकते हैं फॉर्म भरने की प्रक्रिया की शुरुआत की। गौरतलब है कि 25 अंगीभूत 2 अल्पसंख्यक 3 गवर्नमेंट कॉलेजों सहित 38 संबद्ध कॉलेज विश्वविद्यालय से जुड़े हैं जहाँ स्नातक में दाखिला लिया जाना है। तो बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कि आपका स्नातक नामांकन के लिए पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, पटना यूनिवर्सिटी में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ऐसे ही धीरे धीरे सभी डिस्ट्रिक्ट में जो यूनिवर्सिटी है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी इस सप्ताह तक अपने वेबसाइट पे जारी कर देगा। क्योंकि देखिए इस बार आपका एडमिशन OFSS से नहीं होने वाला, इस बार आपका UMIS यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत सब साइट पे ही अपडेट दे दिया जाएगा और आप घर बैठे एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नामांकन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का शुल्क ₹300 रखा गया है। विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह स्वच्छ और पारदर्शी होगी, छात्र छात्राओं को घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर देना है। जुलाई के दूसरे हफ्ते में कक्षाओं की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बड़ी अपडेट कि ग्रेजुएशन में नामांकन शुरू हो गया है। मैंने एक और वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें मैंने बताया था कि एक सप्ताह के अंदर ही नोटिफिकेशन सब वेबसाइट सब यूनिवर्सिटी अपने अपने वेबसाइट पे जारी कर देगा। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने उसकी शुरुआत कर दी है। जल्द ही वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, मगध विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालय, JP विश्वविद्यालय, जितने भी बिहार में विश्वविद्यालय हैं वो भी नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी कर देंगे मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा, आपको समझा दूंगा कि कैसे आप ऑनलाइन एडमिशन के लिए, ऑनलाइन नामांकन के लिए उसके ऑफिशियल साइट पे फॉर्म भर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।